अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो मेला घूमने गए थे ये लोग और ये बैलगाड़ी जो है आज भी किसानों की शान है बैलगाड़ी ना डीजल ना पेट्रोल की जरूरत है। प्रतापपुर पांड्या छपारा के पास 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट संजय काड़े के साथ। पांड्या छपारा उगली जाने वाले मार्ग पर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं साइड से यहाँ पर जो मेला भरा हुआ है 1 तारीख से 10 तारीख तक का संगम घाट का मेला कहा जाता है और यहाँ कई वर्षों से मेला भरते चला आ रहा है जहाँ दूर दराज के लोग देखने आ रहे हैं। चलिए आपको संगम घाट और मेले के हम दर्शन कराते हैं। साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। हम बैठे हैं कैमरामैन के साथ हवाई झूले में और आपको हम दर्शन कराते हैं यहाँ से मेला कितने एरिया पे लगा हुआ और कितने लोग यहाँ पर पहुँचे, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं झूले में बच्चे बैठे हैं और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं और इनको बहुत मजा आ रहा है। बेटा मजा आ रहा है आपको? बच्चे लोग खुशी खुशी से झूले झूल रहे हैं और झूले वाले गंगा मैया की जय, संगम घाट की जय, क्रास झूला। और ये मंडला जिले से आया है यहाँ पर मेले में। इस वक्त हम बैठे हैं कैमरामैन के साथ हवाई झूले में और आपको हम दर्शन कराते हैं यहाँ से मेला कितने एरिया पे लगा हुआ और कितने लोग यहाँ पर पहुँचे, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मेले के अंदर और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए झूले आए और बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, ये बहुत क्षेत्र से भी कुछ भक्त लोग मिले हमें, आइए हम उनसे जानते हैं। बताइए आपका नाम? हेमंत रांगडाले, बरघाट से मैं यहाँ आया हूँ और इसके पहले भी यहाँ आया हूँ। और इसके पहले जैसा कि मैं यहाँ से जानता हूँ कि यह एक संगम घाट है और यह एक आस्था और धार्मिक पर्वति का एक माहौल यहाँ बना होता है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो एक धार्मिक मन जो होता है धर्म की ओर हमें खींचता है और यह एक संगम घाट एक मेला है और बड़े रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर के यहाँ संगम घाट के मेले में आता हूँ और माँ गंगा मैया से मैं हमारे राज्य के लिए देश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही सुख समृद्धि आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और ये संगम घाट के मेले में आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु लोग, और यह एक आस्था का हमारा केंद्र बिंदु है हुगली और पांड्या छपारा के बीच में। मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तो मुझे एक अलग ही अनुभूति होती है, मन को बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे देवदान किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, यही भक्तों की बहुत बड़ी श्रद्धा और एक आस्था का विषय है। हम साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड वाले से जानना चाहेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए? मेरा नाम विजय यादव है, मैं ही सरेखा का निवासी हूँ। कितनी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर रोज की? स्टार्टिंग से तो बहुत कम गाड़ियाँ आती हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है गाड़ियाँ बढ़ते जाती हैं, जैसे 100, 200, 500, 1000 इस टाइप से गाड़ियाँ आती हैं। मेला कब तक भरेगा आपके यहाँ? मेला भी और 2 दिन रहेगा, परसों के दिन सोमवार 9 तारीख तक 10 तारीख तक, और काफ़ी अच्छा मेला रहता है। दो पवित्र जैसा हमें भक्त लोगों ने बताया कि ये हरी नदी
और एक बैनगंगा जो सिवनी होती है यहाँ बालाघाट में आकर दोनों का मिलाप हुआ है और ये जीवनदानी गंगा मैया है। और यहाँ भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर लगभग 10 दिन से लेकर 15 दिन तक का मेला भी लगता है। बालाघाट से लेकर सिवनी जिला, मंडला जिला और दूर दराज के लोग यहाँ पर दर्शन करने भी आते हैं और मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ संजय गाड़े, MP24 न्यूज़, बरघाट, धारणा।